हाय, कैसे हो आप लोग। चलो ये बताओ, सावन के महीने में किसकी पूजा होती है? शंकर जी, शिव जी की होती है ना पूजा। तो आप उनके लिए कुछ प्रसाद भी बनाते होगे ना। जो लोग फास्ट रखते हैं, जो लोग पूजा करते हैं ना, उनको पता होगा ये चीज़। तो ये वीडियो ना ऐसा कुछ नहीं है कि किसी रिलीजन के लिए मैं बना रही हूँ। बस मैं इसलिए बना रही हूँ, मैंने ये रेसिपी बनाई तो मैंने शेयर कर दिया आपसे कि मैं ऐसे बनाती हूँ और ऐसे ही बनाया जाता है। तो आप देखना, ठीक है? तो क्या किया, पूड़ी ले लो आप कोई भी। आप या तो गरम पूड़ी ले लो या फिर आप पहले से बना के रखे हो वैसे ले लो, और उसको हाथ से ही चुरा चुरा कर लो, एकदम हाथ से ही तोड़ लो इसको। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी ये, ठीक है? तो इसको, इसके बाद फिर हम इस पर क्या करेंगे, इस पर थोड़ी शक्कर मिलाएंगे। और आप इसको क्या बोलते हो मुझे बताओ। हमारे यहाँ तो इसको चूरमा बोलते हैं, आप क्या जो बोलते हो तो बताना मुझे कमेंट में। थोड़ी शक्कर, थोड़ी गुड़ और थोड़ा सा देसी घी। और गुड़ आप थोड़ा सा इसको मसल मसल के डालना गुड़, ताकि इस पर मिक्स हो जाए, ठीक है? बस ये देसी घी डालने के बाद फिर आप इसको हाथों से मिक्स कर दो अच्छे से। बन गया। अब हमें इसको कुछ और नहीं करना, और बस इसको आप प्रसाद बना के शिव जी को चढ़ा दो और फिर खुद भी खा लो। और ऐसा नहीं है कि प्रसाद के लिए बना सकते हो, आप कभी भी बना सकते हो। जब आपका मन करे ना कुछ मीठा खाने का, खाने के बाद, तो आप बना सकते हो, अच्छा लगता है। तो बनाओ और मुझे बताओ कैसा लगा। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।